और चलिए अपनी बड़ी खबर को रुख करेंगे जो कि उत्तर प्रदेश से मिल रही है, जहां पर उपचुनाव में डिंपल यादव तकरीबन 2,20,000 वोटों से आगे चल रही है। रिकॉर्ड मतों से डिंपल यादव आगे चल रही है और बीजेपी के रघुराज शाक को करारी शिकस्त देते हुए डिंपल यादव तकरीबन 2,20,000 वोटों से आगे चल रही है और बीजेपी से रघुराज सिंह शाक को लगभग 1,99,477 वोट ही मिल सके हैं। और मैनपुरी से डिंपल की बढ़त पर शिवपाल भी बोले हैं, उन्होंने बयान दिया है कि अब नेताजी का जलवा कायम रहेगा। शिवपाल सिंह यादव ने कहा है, नेताजी के आदर्शों पर जनता ने जीत दिलाई है और बता दें कि ये सीट स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का गढ़ रही है और उनके निधन के बाद में एक सीट खाली हो चुकी थी और इस सीट से सपा ने डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतारा और लगातार डिंपल यादव 2,20,000 वोटों से आगे चल रही है और रिकॉर्ड मतों से जीत की ओर अग्रसर है डिंपल यादव। और इसी बीच बीजेपी के रघुराज शक को महज 1,99,477 वोट ही मिल सके हैं और ये तस्वीरें देखिए किस प्रकार से उत्साह की तस्वीर है, उमंग की तस्वीर है और सपा के तमाम कार्यकर्ताओं में उत्साह उमंग साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, खुशी का माहौल है। और डिंपल यादव की तस्वीर ये देखिए, तस्वीरों में देखिए किस प्रकार से डिंपल यादव की तस्वीरों को लेकर के सपा कार्यकर्ता सड़कों पर उमंग के साथ उत्साह के साथ में जीत का जश्न मना रहे हैं और मिठाई भी खिलाई जा रही है, एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है, फूल बरसाए जा रहे हैं और डिंपल यादव की तस्वीरों को लेकर नाचते डांस करते खुशियां मनाते सपा के कार्यकर्ता काफी उत्साह दिख रहा है, काफी उमंग दिख रहा है। और ये बड़ी जीत चूंकि समाजवादी पार्टी की है और इसी बीच शिवपाल यादव का भी बयान सामने आया है। शिवपाल यादव ने कहा है कि नेताजी के आदर्शों पर जनता ने जीत की मोहर लगाई है, जीत दिलाई है और अब भी नेताजी का जलवा कायम है और अब तक की ये ऐतिहासिक जीत होगी। और आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है शिवपाल सिंह यादव ने। ये पूरा परिवार नेताजी तरह से मैदान में दिखाई पड़ा, ये जीत रही है नेताजी ने और हमारे शर्मा ने जो विकास किया उसकी जीत है। जो भी यहाँ पर नेताजी के नाम से अब भी नेताजी का जलवा कायम है और रहेगा ऐसे। अधिकारियों ने बहुत दबाव बनाने की कोशिश की लेकिन जनता ने खुल करके वोट किया। यहाँ पर जो भी मंत्री आते थे सरकार जितने भी मंत्री आते थे सीधा अधिकारियों से वोट मांगते थे तो उसको बंद कर दो, उस पर मुकदमा लिख दो, उसका उत्पीड़न कर दो और वोट कम डाल पाए। तब भी जब वोट नहीं डालने दिया तो जनता ने तब भी नेताजी के आदर्शों पर और विकास पर जनता ने। और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव ऐतिहासिक रिकॉर्ड मतों से आगे चल रही है, बता दें कि 2,20,000 वोटों से आगे चल रही है और ये खुशी का माहौल जनता में सपा कार्यकर्ताओं में दिख रहा है। और उत्तर प्रदेश का संवाददाता अविनाश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अविनाश, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है सड़कों पर उतरकर जश्न मनाते नजर आ रहे हैं, एक तरफ अखिलेश यादव की फोटो लिए हैं, दूसरी तरफ डिंपल यादव की फोटो लिए हैं और फोटो लेकर के वो एक जश्न मना रहे हैं, उमंग मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, ये जीत का जो श्रेय जाता है किसको जाता है? देखिए दोस्तों, मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, लोगों में उत्साह है, आप जो है मैं कुछ किस तरीके जी लोग यहाँ पर जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है यहाँ पर जिनके हाथों में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पोस्टर है, पूरे परिवार की फोटो दिखाई दे रही है, राजेंद्र यादव है और डिंपल जी यहाँ पर किस तरीके से देखते हैं आज इस तरीके से दिया है। मणिपुरी की जनता ने साबित कर दिया कि वो नेताजी के साथ थे और नेताजी के बाद भी साथ है। ये जीत अपने में ऐतिहासिक जीत है और सारे रिकॉर्ड को तोड़कर माननीय डिंपल यादव जी को मणिपुरी की जनता ने आशीर्वाद दिया है और मणिपुरी की जनता द्वारा नेताजी को सच्ची और दिल से श्रद्धांजलि दी गई और यही चुनाव तय करेगा कि 2024 में बीजेपी का क्या हाल होने वाला है। और भी लोग हैं जी, बिल्कुल अविनाश ये सवाल जानना चाहूंगा कि मैनपुरी की जनता नेताजी के साथ भी रही है और नेताजी के बाद भी जनता मैनपुरी की जो है सभा के साथ है, डिंपल यादव के साथ है और इस बड़ी मार्जिन को जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कैसे देखते हैं इसको? क्या लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने वाला है उसको उसको लेकर भी कुछ बड़ा ये जो नतीजा है
प्रभाव डालेगा उस पर? आने वाले 2024 में जिस तरीके से चुनाव होने वाले उसको कैसे देखते हैं? देखिए, आज डिप्टी सी एम ने खुद ट्वीट किया था कि ये आज एक बहुत बड़ा 2024 का आकाश होगा और उन्होंने अपना ट्वीट छिपा लिया गया। आने वाले समय में आज समाजवादी पार्टी ने पार्टी ने जो विजय आज हासिल की है तो भारी बहुमतों से बीजेपी के ताबूत में कील ठोकने का काम किया। 2024 में सत्ता से बेदखल करेंगे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। जी बिल्कुल, ये बड़ा बयान दिया है, ये बड़ा बयान दिया है अविनाश की अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री पद के तौर पर उम्मीदवार के पद पर देख रहे हैं। और जैसे कि जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता हैं उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अखिलेश यादव आगामी जो लोकसभा चुनाव है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी हो सकते हैं, तो क्या ये उस ओर भी इशारा है कि वाकई वो अब प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को देख रहे हैं अखिलेश यादव में? अविनाश, देखिए लगातार आपने देखा होगा कि भेलपुरी में बयान से ग्यारह का लगातार तो कहीं कहीं जिस तरीके से जो कैंडिडेट डिंपल यादव है वो लगभग 1,77,000 वोटों से अधिक से वहां पर जीत दर्ज की है, तो कह सकते हैं समाजवादी पार्टी की एक बड़ा ही आज का दिन है। तो कहीं ना कहीं ज्ञान सिंह यादव है तो साफ तौर पर तमाम कार्यकर्ताओं का भी कहना था कि ये चीज ज्ञान सिंह यादव को समर्पित की जाएगी। हम इस पर मौजूद है, ये समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर जहाँ पर माहौल है और तमाम यहाँ पर लोग क्या है आप देख रहे हैं लोगों के हाथों में जो पोस्टर है ये पोस्टर ज्ञान सिंह यादव के हैं, जिसमें ज्ञान सिंह यादव के हैं और ज्ञान सिंह यादव के हैं। तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर और बराबर जो है कह सकते हैं। लेकिन अविनाश, लेकिन अविनाश ये जो वोट दिया है रिकॉर्ड मत मिले हैं डिंपल यादव को और जनता ने मतलब भर पल्ले दिल खोलकर मतलब वोट दिया है, लेकिन ये वोट किसके नाम पर दिया है? नेताजी के नाम पर दिया है, डिंपल यादव के नाम पर दिया है, अखिलेश यादव के नाम पर दिया है, किसके नाम पर ये वोट मिला है? क्योंकि ये 2,20,000 वोटों से जब डिंपल यादव आगे चल रही है तो कहीं ना कहीं ये ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर है, तो किसके नाम पर जाता है इसका श्रेय, नेताजी को, अखिलेश यादव को या डिंपल यादव को? अविनाश, देखिए पहले सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे कि भैलपुरी में ज्ञान सिंह का चर्चा आ गया था, उनके निधन के बाद खाली हुई चुनाव हो रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इसका श्रेय ज्ञान सिंह के साथ साथ कृपाल सिंह यादव को भी जाता है, जो लगातार अब आपने देखा होगा कि पूरा परिवार भैलपुरी में लगातार चुनाव प्रचार कर रहा था। अभी पहले एक स्टेटमेंट आया है प्रतिशील समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का भी विनय होता है, थोड़ी देर पहले सुभाष ने ये स्टेटमेंट अभी कुछ ही देर पहले दिया, तो कह सकते हैं इसलिए कहीं ना कहीं पंकज यादव को भी जाता है और समान पूर्ण क्षेत्र में भैलपुरी की जो जनता है दोनों भर के ये कह सकते हैं कि तो उनको वोट। जी बिल्कुल, अविनाश जैसे कि समाजवादी पार्टी के जो नेता है जो कार्यकर्ता है अखिलेश यादव का पूरा परिवार मैनपुरी में लगा रहा और डोर टू डोर उन्होंने खूब जमकर भी प्रचार प्रसार किया। शिवपाल यादव की जो भूमिका रही वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, चूंकि जो चुनाव से पहले वो चाचा और भतीजे एक हुए, दोनों ने एक सुर में मतलब डिंपल यादव के लिए वोट भी मांगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के कई राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर प्रचार में गए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पर प्रचार में गए, चूंकि योगी आदित्यनाथ तो वहां पर लगातार प्रचार कर ही रहे थे और भी जो दूसरे राज्य है वहां के मुख्यमंत्री भी लगातार प्रचार करते रहे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो नेता रहे वहां पर जो बीजेपी का मुद्दा रहा, विकास का मुद्दा रहा, तमाम मुद्दे रहे, उसको कहीं ना कहीं जनता ने किनारे कर दिया है और सिर्फ समाजवादी पार्टी का जो एक बीजेपी जो आरोप लगाती रही है कि परिवारवाद, जिसका आरोप हमेशा समाजवादी पार्टी पर लगता रहा, उस पर कहीं ना कहीं जनता ने ये मोहर लगाई है। क्या कहते हैं आप अविनाश? देखिए भैलपुरी की जनता ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पर भरोसा जताया है, ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भले ही भैलपुरी में जो आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हो चाहे तमाम मंत्री हो, जो है भैलपुरी में महीनों से वहां पर डेरा जमाए थे, लेकिन इस बार फिर जो समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से वोट मिला पहले भी कह सकते हैं कि जनता ने फिर से दोबारा समाजवादी पार्टी पर भरोसा जताया है। तो इस बार जिस तरीके की डिंपल यादव को मिली है पूरा परिवार एक साथ होकर काफी समय से चुनाव प्रचार कर रहा था, मेहनत कर रहा था। जी बिल्कुल ठीक है अविनाश, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि नेताजी के जो निधन की जो सहानुभूति थी, जो सिंपथी थी, वो कहीं ना कहीं सपा में काम कर गई, सपा का जो समीकरण रहा है, सपा के जो गुणागणित रहे हैं उसके ऊपर जो सहानुभूति का जो है वो काम कर गया कहीं ना कहीं, क्या कहते हैं आप अविनाश जी?
जी बिल्कुल कह सकते हैं कि भूपेंद्र लाल सिंह यादव के निधन के बाद कहीं ना कहीं जो कह सकते समाजवादी पार्टी में एक उसके लिए जो था तो उसका नतीजा है कि आज इतने प्रतिशत बाकी जीत के साथ कह सकते समाजवादी पार्टी का निधन था वहां पर कहना गलत होगा। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए अविनाश आपका बहुत शुक्रिया और पल पल की अपडेट जो है हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिएगा और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर ये उत्तर प्रदेश से आपको बता रहे हैं जहां पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव रिकॉर्ड मतों से जीत की ओर अग्रसर है। बता दें कि 220,000 वोटों से डिंपल यादव आगे चल रही है और बीजेपी के रघुराज शक को 1,99,000 वोट मिल पाए हैं। और तस्वीरों में देखिए किस प्रकार से सपा के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। डिंपल यादव, नेताजी, अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल सिंह यादव की तस्वीर लेकर कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं, सड़कों पर नाच रहे हैं, ढोल ढमाकों के साथ में मिठाई खिला रहे हैं। और ये सीधा तस्वीरें देखिए और रिकॉर्ड जो जीत है, रिकॉर्ड मतों की जो जीत है वो कहीं ना कहीं नेताजी के नाम पर भी जाती है, क्योंकि नेताजी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई और कहीं ना कहीं सहानुभूति भी नेताजी की जनता के साथ रही और जनता ने जो भर भर के वोट दिया है वो कहीं ना कहीं नेताजी के नाम पर ही जाता है। तो ये श्रद्धांजलि है नेताजी के लिए। और चूंकि डिंपल यादव ने भी कहा था कि अगर ये सीट जीतती है तो सच्ची श्रद्धांजलि नेताजी के नाम पर ये होगी। डिंपल यादव ने ये सीट जीतकर नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि दी है और सपा का हमेशा से गढ़ रही मैनपुरी एक बार फिर सपा के ही कब्जे में रही है और रिकॉर्ड मतों से चूंकि डिंपल यादव आगे चल रही है। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, नतीजे कुछ और ही रहेंगे, नतीजे कुछ और ही कहेंगे, तो नतीजों का फिलहाल इंतजार रहेगा, लेकिन शुरुआती रुझानों में 220,000 वोटों से आगे चल रही है।